आया था ना अभी, मैंने देखा है। सही है, ठीक है, मैं अभी देखा है। तुम्हारा नाम क्या लड़के? अच्छा जी सर, लास्ट अटेम्प्ट के पेपर की बात करूं, क्योंकि अभी हमारे पास रिफ्रेशर के बच्चे हैं जो सेकंड टाइम अपेयर होने जा रहे हैं। अच्छा पेपर था लास्ट टाइम का, दो सवाल, एक दो सवाल उसने अच्छे पूछे थे। बाकी उसके अलावा पेपर ऐसा था कि आप आसानी से उसमें से 50 नंबर निकाल सकते थे। सही है, लेकिन सर मैं वही बात करूं रिजल्ट की, तो कंपनी लॉ का रिजल्ट डबल आया एज इट वाज एक्सपेक्टेड। कि कंपनी लॉ का रिजल्ट सिर्फ एक दो अटेम्प्ट में, जो लास्ट अभी इस अटेम्प्ट का रिजल्ट आया 34-38%। सही है, ऐसा रिजल्ट कभी आया नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, ये डबल है, इससे आधा रिजल्ट आता है। सही है, अगर हम उसमें भी पास नहीं कर सके तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए, खास तौर पे उन बच्चों का जो ये समझ रहे थे कि हम पास हो जाएंगे। सही है, तो मेरे नजदीक वो बच्चे जो पेपर दे के आते हैं और उनको पता होता है कि फेल हैं, ज्यादा जल्दी आसानी से पास हो सकते हैं, बनिस्बत उनके के जो पेपर दे के निकले और जो कह रहे थे कि हम पास हो जाएंगे। ठीक है, ये दो अप्रोचेस हैं। तो हमारे साथ अभी जो बैठे हुए हैं, कौन ऐसे हैं जिन्होंने 90 से ऊपर का पेपर किया था, 90 मार्क्स से ऊपर का पेपर किया था और पास नहीं कर सके? कोई है ऐसा हमारे पास? नहीं अच्छा, तुमने पुराना पेपर दिया हो, तुमने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया था? नहीं पेपर नहीं दिया था तो? नहीं अच्छा, तो पहली दफा पढ़ रहे हो तुम बेसिकली। सही है, ऑनलाइन वालों तुम लोग बताओ, कोई ऐसा है जिसने 80-90 से ऊपर का पेपर किया हो और वो फेल हो गया? सर अभी जब रिजल्ट आया तो हमारे पिछले बैच के कुछ स्टूडेंट्स थे, खास तौर पे मुझे उन बच्चों की खुशी हुई, दो तीन बच्चे से, आई वॉन्ट टेक नेम्स ऑब्वियसली, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन जब हमारी पहली क्लास थी मैंने सवाल ड्राफ्ट करवाया था, तो वो बच्चे थे कि यार जो इज एम आर तक की गलतियां करते थे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं होते थे उनके। सही है, और उनमें से एक को खास तौर पे मतलब उसको लिखना नहीं आता था, लेकिन मतलब कंसिस्टेंट था वो। अभी उसका मैसेज आया जब रिजल्ट आया मेरे पास कि सर मेरा कंपनी लॉ पास हो गया, तो मुझे उस बच्चे की यकीन करें बहुत ज्यादा खुशी हुई। सही है, और लास्ट अटेम्प्ट का जो हमारा रिफ्रेशर का बैच था, उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो तीसरी तीसरी चौथी दफा पढ़ रहे थे कंपनी लॉ, और उन सबका पेपर पास हो गया। रीजन क्या था सर? रीजन ये था कि कंसिस्टेंट थे वो। सही है, कंसिस्टेंट थे और रेगुलर क्लासेस लेते थे। हमारा 100 के करीब का बैच था लास्ट वाला। सही है, और मैं अगर बताऊं आपको, ऑनलाइन प्लस फिजिकल 15 बच्चे भी नहीं क्लास लेते थे। सही है, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं उन 15 को भी कन्विंस करके अच्छे से रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता था, लेकिन नहीं, अगर कोई बच्चा क्लास में आ रहा है मतलब तुम लोगों का फायदा है ना। वो क्या करते थे, क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा, हाथ के हाथ मुझे चेक करवा लिया। ठीक है, भले ऑनलाइन भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइव क्लास का मतलब ये है कि फिजिकल आके लो, ऑनलाइन भी हो। आप देखें, अगर आप इधर से पढ़ रहे हैं तो आप ऑनलाइन ले रहे हो या फिजिकल हो, दोनों बराबर है। सही है, हमारा जो पिछला बैच था मेजोरिटी ऑनलाइन था, ड्राफ्टिंग करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजते थे, सर चेक कर दें, ये बता दें, ये कर दें। तो देखो, तीन चीजें जो तुम्हें पास कराएंगी और तीन चीजें जो फेल कराएंगी। सही है, एक तो ये कि भाई साथ साथ पढ़ते रहो। सही है, इसका ऑपोजिट, साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि पेपर ऐसा है आखिरी टाइम पे आपके पास दूसरे सब्जेक्ट का भी बर्डन होता है। हम क्या करते हैं सर, हम आखिरी टाइम पे पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में रिटेन नहीं होता। सही है, कंपनी लॉ का पेपर ऐसा है, तुमने कहीं भी छोटी मोटी गलती कर ली, अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश कर ली। सही है, अब तुम्हारी नजर में वो सही होगा कि तुम, क्योंकि तुमने उस चीज को समझा उस तरीके से, तो पेपर से तुम निकलोगे, तुम बोलोगे पास है। लेकिन फेल भी मतलब कुछ ऐसे होते हैं, 100 नंबर का अगर क्या है 23 नंबर, बहुत बुरे तरीके से फेल होते हैं। सही है, तो भाई ये पेपर आपसे पहले मांगता है कि आप इसको टाइम दो, इसको साथ साथ याद करो। सही है,
और दूसरी चीज के जो याद किया ना, कंपनी लॉ ऑडिट हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, खाली याद करने से नहीं निकलेगा, सही है? जब तक के उस याद करने वाली नॉलेज को लिख के अप्लाई नहीं करोगे। सर मैं बैठा हूं, जब मैं मतलब मैं चेक करने वाले को मसला होना चाहिए ना, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ लिखो पूरा चैप्टर, मतलब उस चैप्टर को याद करो। लेट से चैप्टर नंबर मीटिंग्स का चैप्टर याद किया, सारे पास करो, हम तो क्लास में करेंगे, लेकिन स्टिल बाद में करके भी अगर किसी को चेक करवाना है, मुझे चेक कराओ, मैं ड्राफ्टिंग चेक करूंगा, गलतियां बताऊंगा कि यार इसको ये नहीं, और दूसरी दफा जब तुम लिखोगे ना उस जैसा सवाल, सही है? तो उसके ऊपर तुम्हारा हाथ खुद ब खुद साफ होगा। जाहिर सी बात है पेपर में तुमको क्या होगा, पेपर में तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, सही है? तो सर पहली चीज हो गई कि हम टाइम टू टाइम याद करेंगे, सही है, साथ साथ। दूसरी चीज हो गई हमारी ड्राफ्टिंग, पहले हमने नॉलेज ली सब्जेक्ट की या चैप्टर की, फिर उसको हमने ड्राफ्टिंग में अप्लाई किया, सही है? और तीसरी चीज सर, सेलेक्टिव स्टडीज नहीं करनी, सही है? मैं वो रीजन बता रहा हूँ जिनकी वजह से पेपर रुकता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने साथ साथ नहीं किया होगा, तो अल्टीमेटली क्या किया होगा, सेलेक्टिव स्टडीज कर लिए होंगे, कोई चैप्टर हल्का होगा या उसको हल्का समझ के छोड़ दिया होगा, सही? अभी कल मुझे एक बच्चा मिला, उसने उसने कहा कि सर मैंने मेरा पेपर रुक गया कोई 20 में। अब मैंने उससे पूछा कि ये किया था, उसने बोला नहीं ये किया था नहीं, ठीक है? मैंने बोला, उसने बोला मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे। मैंने कहा तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे, लेकिन अभी तुम मुझे बताओ नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मैं ड्राफ्टिंग करा रहा हूँ तुमने उसको आगे आगे करके देखा होगा, ड्राफ्टिंग के बाद कॉन्सेप्ट पे आ गया। उसने बोला जी सर ड्राफ्टिंग मैंने नहीं देखी थी, सही है? तो देखना तो ऑप्शन है ही नहीं, देखने के अलावा उसको अप्लाई भी तो करना है। ये बातें मैं उस वक्त बोलता था जब मैं ड्राफ्टिंग करा रहा था, वो मेरे वर्ड्स होंगे उस रिकॉर्डिंग में, मैंने बोला था कि कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो ये सुनेगा ही नहीं, इसको आगे करके सीधा कॉन्सेप्ट पे जाएगा। तो कल ही मुझे ऐसा बच्चा मिला, मैंने उसको बोला नॉलेज काम नहीं आती अनलेस के उसको आप अप्लाई नहीं कर दो, सही है? तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं तो मतलब अगर चेक कर रहा हूँ तो इसमें तुम लोगों का फायदा है ना। मैं खुद बोल रहा हूँ कि आओ भाई, टीचर होगा वो तो बोलेगा कि बच्चा नहीं आया साइड पे हो जाए, मेरा काम है पढ़ा के चला जाऊंगा। मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, अगर पर्सनल टाइम भी दे रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ तुम्हें नहीं आ रहा समझ में तो मुझसे व्हाट्सएप कर लो, सही है? चेक करवा लो ड्राफ्टिंग, मुझे एक एक चीज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ, क्विजेस लेने के लिए मैं तैयार हूँ, सही है? हमारे क्विजेस का शेड्यूल था लेकिन वो रिजल्ट की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, अभी क्योंकि अभी हम मर्ज हो जाएंगे रेगुलर और रिफ्रेशर, तो हम इजीली अब क्विजेस अनाउंस कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं तुम लोगों को सारी सपोर्ट दे रहा हूँ, ठीक है? सारा मटेरियल है हमारे पास, बस आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि टू वे चीज होगी, सही है भाई? मुझे खुशी होगी कि मेरे बच्चे पास हो जाएंगे, फायदा अल्टीमेटली आप लोगों का है, मेरी खुशी एक दिन की होगी, दो दिन की होगी, आप लोगों की खुशी भले एक दो दिन की हो, लेकिन आप लोगों को इसका फायदा लॉन्ग टर्म में, सही है? तो देखो वैसे ही फर्म की लाइफ में ना, अभी क्योंकि ग्रुप बी है, इसके बाद एक या दो अटेम्प्ट के बाद मैक्सिमम आप लोग फर्म में जाओगे, देखो वहाँ रेस लगी हुई है, हमारे पास बिग फोर है भी नहीं, अभी हमारे पास है बिग थ्री, सही है? अभी हमारे पास है अभी हमारे पास है बिग थ्री, हमारे पास लास्ट अटेम्प्ट में कैफ में कोई 1200 बच्चा क्वालिफाई हुआ है, सही? उससे पहले भी कोई 1000 बच्चा होगा, ठीक है? TWC उठा लिए 100 बच्चे, KPMG ने उठा लिए 30, EY उठाई की 10, सही है? तो कितने हो गए, 140 हो गए, 140 और डाल दो बाकी फंड्स के मिला के, सारी फंड्स के मिला के 280, बाकी 800 बच्चा 900 बच्चा कहाँ जाएगा? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि रेस है, तो फिर फर्म्स क्या करती हैं, फर्म्स क्राइटेरिया थोड़ा हाई सेट कर लेती हैं, ताकि उन 1200 में से क्रीम बच्चा जो है ना वो आए। आज से दो तीन तीन चार साल पहले सिनेरियो अलग था, सही है? एक बच्चे को चार चार फर्म से ऑफर आती थी, वो सेलेक्ट करके जाता था। ये हमारा मैं टाइम बता रहा हूँ, तो मैं 2017 के एंड 18 के स्टार्ट तक यही कहानी थी,
एक बच्चे को कम से कम 3-4 फॉर्म से ऑफर जरूर आती थी, लेकिन अब सिनेरियो अलग हो गया। सही है, मार्केट में डिमांड कम हो गई है, आई कैप की तरफ से सप्लाई बहुत है बच्चों की। सही है, बहुत बच्चा पास हो रहा है। तो अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ पे भी मसला होगा। सही है, तो इसमें तुम्हारा फायदा है, देखो हम साथ साथ काम करेंगे। सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर रुक गया तो उसमें कुछ फ्लॉज होंगे, हम उनके ऊपर काम करेंगे। सही है, सबसे बड़ा फ्लॉ ये, कोई ऐसा बच्चा मुझे बता दे कि सर मैंने सारी ड्राफ्टिंग की थी मैं उसके बावजूद फेल हुआ हूँ। सही है, ऐसे बच्चे बहुत कम होंगे या होंगे ही नहीं, कि जो लिखने की प्रैक्टिस भी करके गया है उसके बावजूद फेल हुआ है। सही है, तो सर जो हमें याद करना है उसको साथ साथ हमें अप्लाई करना है। सही है, तो टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। सही है, मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ, क्लास के बाद भी क्लास के अंदर भी। इनफैक्ट कभी भी तुम लोग पढ़ रहे हो कोई चीज समझ नहीं आ रही मुझसे पूछ लो, व्हाट्सएप पे कॉल कर लो मुझे। सही है, ड्राफ्टिंग चेक करानी है तुम लोग उसको स्कैन करके पीडीएफ मुझे भेज दो, ड्राफ्टिंग चेक करा लो। तो मैं ड्राफ्टिंग चेक करने के लिए भी बैठा हूँ, मैं बता दूंगा कि। और फिर ड्राफ्टिंग, अच्छा मैं अपनी अप्रोच पे आ जाऊँ, हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग पढ़ते हैं मेरे पीपीटी नोट से। सही है, यहाँ से हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, फिर सर हम इसको आई कैप के स्टडी टेक्स से गो थ्रू करते हैं, क्या जो मैंने पढ़ाया है स्टडी टेक्स में वही लिखा है। सही है, क्योंकि आप लोग याद कहाँ से करोगे, यहाँ से मैं पढ़ाऊंगा यहाँ से। तो अगर दोनों चीजें आपस में मैच ही नहीं होंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, तो इस चीज को कैटर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने नोट्स के बाद बुक रीड करवाता हूँ, ताकि जहां से तुम्हें याद करना है और जो मैंने पढ़ाया है तो मैं दिखा सकूं कि भाई वही चीज मैंने पढ़ाई है जो लिखी है। ठीक है, और उसी सीक्वेंस में पढ़ा है, ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड बैच रहे हमारा, स्कैटर्ड ना हो कोई भी चीज। और सर इसके अंदर हम साथ साथ क्या करते हैं, 2009 तक के सारे पास पेपर एग्जामिनर कमेंट्स के साथ, ठीक है, एग्जामिनर कमेंट्स के साथ हम लोग सब क्लास में करते हैं, और मैं खुद चेक करूंगा। सही है, एक एक बच्चे की ड्राफ्टिंग। सही है, अब मेरी भी देखो लिमिटेशन होगी। सही है, मैं कोशिश करूंगा हर एक को मैं जाके रीच आउट हूँ, लेकिन एट द एंड अगर तुम लोगों की तरफ से नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मतलब मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा ना, होना उल्टा चाहिए, तुम लोग मेरा दिमाग खा जाओगे सर ये देख चेक कर लें, ये बता दें मैंने सही किया है कि नहीं किया है, लेकिन मैं करूंगा अपनी तरफ से कोशिश। लेकिन कहीं अगर मैं रह जाऊं तो मतलब तुम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आओ यार नहीं सर हमें ये बता दें, आपने बोला था मैं चेक करके दूंगा, चेक करके दें। सही है यार, मामला अटेम्प्ट का नहीं है माज, मामला अभी टाइम का है। सही है, जैसे अभी एक फर्म है पीडब्ल्यूसी एएफएफ। सही है, मैं एएफएफ में हूँ। पहले एएफएफ का क्या सीन था कि सबसे पुराना बच्चा वो ही उठाती थी, मतलब सबको चांस देती थी। लेट से अगर केपीएमजी एफटीएस 26 को बुला रही थी तो एएफएफ उस वक्त एफटीएस 15 को भी बुलाती थी। सही, ये टाइम था। लेकिन पिछले 2 अटेम्प्ट से एएफएफ ने भी क्या कर दिया है, क्राइटेरिया अपडेट कर दिया है, अब एएफएफ भी 32-30 से बुला रहे, 31 से ऑनवर्ड्स। सही है, तो अभी मार्केट में जो इंडक्शन हो रही है वो 30 से लेके 34 तक एफटीएस की इंडक्शन हो रही है। सही है, तो ऑलरेडी तुम लोग ये समझो कि जिसका एफटीएस 30 से 34 के बीच में वो कैफ क्वालिफाइड करके इस वक्त इंडक्शन प्रोसेस के अंदर है। सही है, तो जब तक अभी 1-2 अटेम्प्ट के बाद मेरे ख्याल से 36-34, 34 से 38 के बीच में ऐसे इंडक्शन हो रही होगी, तो एक रेस हो गई है। रीजन ये है कि ए लेवल्स का बच्चा जो है सीए की तरफ ज्यादा आ रहा है अभी। सही है, और एक मानने वाली बात है कि फर्म्स जो हैं प्रेफर करती हैं ए लेवल्स के बैच को, कि हमारे पास जाहिर सी बात है वो लोग ये कहते हैं कि भाई एक बच्चे को हम शुरू से सिखाएं, एक थोड़ा सीखा हुआ आता है तो हम सीखा हुआ उठाएंगे। केपीएमजी का सेशन हुआ था यही आरटीटी में, तो उनके एचआर ने खुद बोला था कि हम प्रेफर करते हैं ए लेवल्स के बच्चों को, बाकी अगर कोई जगह बच जाती है तो फिर इंटर से हम टॉप स्कॉरर्स को लेके आते हैं, A1 ग्रेड वालों को वगैरह वगैरह। सही है, सिवाय एक फर्म के पीडब्ल्यूसी के, अगर आप उसका क्राइटेरिया मीट करते हो एफटीएस का तो वो अक्रॉस द बोर्ड सबको चांस देता है। सही है, सबको टेस्ट के लिए बुलाता है और फिर टेस्ट के ऊपर फिर
इंडक्शन के ऊपर जब आप लोगों का टाइम आएगा हम लोग सेशन रखते हैं, उस पर बात करेंगे। तो सर रिफ्रेशर वालों के लिए, सर हमारे 4 चैप्टर्स हो चुके हैं अभी तक, सही है? पहला कंपनी इंट्रोडक्शन, रजिस्ट्रेशन और टाइप वाला चैप्टर, दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है जी। फिर सर तीसरा है हमारे पास, तीसरा चैप्टर हमने किया है शेयर कैपिटल, सही है। और सर चौथा हमने किया है प्रॉस्पेक्टस। सर ये 4 चैप्टर 100% पास पेपर्स के साथ पोर्टल पे अपलोडेड है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रिफ्रेशर वालों को ये अलग से कराऊं लाइव, मैं लाइव भी करा दूंगा, सही है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो वो पड़े हुए हैं पोर्टल पे ऑलरेडी इसी अटेम्प्ट के, सही है। यार अगर तुम पोर्टल पे जाओगे ना तो तुम्हें एक रिफ्रेशर वालों तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, पोर्टल पे जाओगे ना मेरा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर पड़ा हुआ है। या यूट्यूब पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओ, कैफ 7 में पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लो, ठीक है। उसके अंदर पूरी ग्रेड मैंने डिस्कस की है, पूरे 12 चैप्टर हैं हमारे कोर्स में, उन 12 चैप्टर्स को ग्रेड में तोड़ा है कि कौन कौन से चैप्टर मिला के। अब देखो इसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो दूसरी ग्रेड में आ रहे हैं, कुछ इसमें आ रहे हैं, तो समझ लो ये कोई 15 से 20 नंबर के चैप्टर हैं, सही है। ठीक है भाई, तो रिफ्रेशर वालों तुम लोग बता दो, सही है भाई। देखो अगर 7-8 बच्चे भी होंगे ना कम से कम जो मुझे कमिट करेंगे कि सर हम आके लाइव क्लास लेंगे, तो मैं आके रोज लाइव क्लास ले लूंगा। हमारी क्लास होती है अगर 11:30 बजे, तो उससे पहले हम 10 से 11:30 रिफ्रेशर रख लेंगे पुराने चैप्टर का, और 11:30 से ऑनवर्ड हम नया पढ़ लेंगे, सही है। तो 2 हफ्ते लगेंगे, हम ये चीज़ भी कवर कर लेंगे, लेकिन तुम लोगों के ऊपर है ये, अगर तुम लोग को ये लाइव लेना है, रिकॉर्डेड तो होना पड़ा है। इसका एक लेक्चर है, सही है, इस चैप्टर का। इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर्स में ये 2 चैप्टर हो गए, और मेरे ख्याल से इसके 5 हैं, इसके भी 5-6 होंगे, सही है। टोटल मतलब 13-14 लेक्चर्स हैं इन 4 चैप्टर्स के, पोर्टल पे अपलोडेड है। तो मुझे आप लोग बता दो क्या करना है फिर, ठीक है, भले अगली क्लास तक बता दो। तो सर आज की क्लास का हमारा जो एजेंडा है, स्टडी टेक्स्ट के हिसाब से चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है मीटिंग्स, सही है। तो जो पहली दफा पढ़ रहा है या रेगुलर पढ़ रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक सेकंड, अभी हो रही है स्क्रीन शेयर, भाई बाकियों को स्क्रीन शेयर हो रही है? कंफर्म कर दो तो हम शुरू करते हैं। चलें जी, रुकैया बाकी सबको हो रही है तो आप रीज्वाइन करके देख लो, अगर नहीं हो रही तो मेरे ख्याल से आपकी तरफ से इंटरनेट का इशू है।
अच्छा जी सर, स्टडी टेक्स्ट के हिसाब से हमारा चैप्टर नंबर 8 मीटिंग एंड रेजोल्यूशन, और हमारे हिसाब से हमारा चैप्टर नंबर 5 है क्लास का, ठीक है। तो सर 12वें में से हम 5वें चैप्टर पे हैं अपने। जैसा है कि हमने एम किया हुआ है कि हम दिसंबर के महीने में इंशाल्लाह कोर्स ख़त्म कर देंगे, ताकि हमारे पास सेल्फ स्टडी के लिए एक महीना जनवरी हो और फिर उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक महीना फरवरी हो, ठीक है जी। अच्छा जी सर, कंपनी मीटिंग्स, क्या जानते हैं आप मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस के बारे में? रेजोल्यूशन का वर्ड हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, ठीक है। मीटिंग्स सर, कंपनी के अंदर कोई डिसीजन करना होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। कोई एजेंडा डिस्कस करना होता है तो मीटिंग बुलाई जाती है, कोई स्ट्रेटजी बनानी होती है, कुछ प्लान डिस्कस करने होते हैं तो मीटिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि ऊपर फैसला और सुना दिया जाए, जाहिर सी बात है जो शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, वो उनको एतमाद मिलेंगे जिनका पैसा लगा हुआ है कंपनी पे। कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ डिस्कस होने जा रही है, तो जाहिर सी बात है जिस जिसका स्टेक है वो मीटिंग में होगा, ठीक है। और उसके अंदर जो फैसला होना है, डिसीजन होना है, सिर्फ डिसीजन सुनाया नहीं जाएगा, डिसीजन करवाया जाएगा रेजोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। और किसी भी एक तरह की मीटिंग में भी हम पढ़ेंगे, दो तरह की रेजोल्यूशन पास होती हैं, हमने डिस्कस की है, एक जनरल रेजोल्यूशन और एक स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। स्पेशल में 75% से ज़्यादा चाहिए होते हैं और उसमें 50% से ज़्यादा, डिपेंड करता है कि बिजनेस कौन सा है, मैटर कौन सा है। जनरल बिजनेस है तो जनरल रेजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। तो बेसिकली सर हम इस चैप्टर में करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ मीटिंग्स देखेंगे कि किस किस टाइप की मीटिंग होती है कंपनी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि मीटिंग होगी तो उसका कोरम क्या होगा, कोरम क्या होता है कि मिनिमम मेंबर कितने होंगे कि मीटिंग को मीटिंग कहा जाए भाई। मीटिंग एडजर्न्ड होती है तो क्या होता है, मतलब आज कैंसिल कर दी, पोस्टपोन कर दी बाद में, मीटिंग बुलाई कैसे जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट चीजें, ठीक है सर। सर मीटिंग के चैप्टर में कंपनी मीटिंग्स या टाइप्स, पहले टाइप्स ऑफ मीटिंग्स हम ये देखेंगे, फिर सर हम देखेंगे सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिसेस। भाई मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद में कुछ डॉक्यूमेंट सर्व होते हैं कंपनी की तरफ से मेंबर्स को या डिफरेंट लोगों को, वो देखेंगे। फिर सर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, यहाँ हम पढ़ेंगे मीटिंग होती कौन कौन सी है, यहाँ हम उसका प्रोसीजर देखेंगे, कोरम वगैरह, ठीक है भाई। फिर सर रेजोल्यूशन एंड रिकॉर्ड्स के, मीटिंग के मिनट्स होते हैं, ठीक है। मीटिंग के अंदर जो जो बातें होती है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखी जाती है, बात समझ आ रही है, या रेजोल्यूशंस जो पास होती हैं उनका एक रिकॉर्ड होता है, मिनट्स का एक रजिस्टर्ड बनता है कि भाई लेट से ऑडिटर आता है, सही है, हम लोग हैं, हम अगर किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं तो जो हम इनिशियली उनसे जो चीज़ें मांगते हैं उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी मांगते हैं। इससे ऑडिटर को पता चलता है कि भाई कंपनी के अंदर कुछ ऐसे फैसले तो नहीं हुए जो उसको कंसिडर करने चाहिए अपने ऑडिट के लिए। ये एक ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, लेकिन पता किसे चलता है, रिकॉर्ड से पता चलता है, मिनट्स के रिकॉर्ड से पता चलता है। तो एक तो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, और दूसरा ये कि यही रिकॉर्ड हमें किसी अथॉरिटीज को, रजिस्ट्रार वगैरह को जमा भी कराने होते हैं, ठीक है, ऑडिटर को भी चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए ये रिकॉर्ड बनाते हैं। सर कंपनी मीटिंग से हम शुरू करेंगे, सही है जी। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं कंपनी मीटिंग। सर इस टॉपिक के अंदर सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, के कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और एक मेंबर्स की मीटिंग होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कौन कौन सी मीटिंग होती हैं, मेंबर्स की कौन कौन सी होती हैं, ये देखेंगे हम। फिर सर यहाँ लॉ ने बोला है कि तुम कंपनी इस वक्त पे मीटिंग बुला लेना, नहीं बुलाएगी तो क्या SEC भी बुला सकता है, वो पढ़ेंगे।
फिर सर टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, कंपनी की कौन कौन सी टाइप्स की मीटिंग्स होती हैं? सर एक होती है मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स के, जो जिस मीटिंग में मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। एक होती है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, बात समझ आ रही है? अब मेंबर्स की मीटिंग में डायरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्टर्स की मीटिंग में मेंबर्स नहीं होते अनलेस के वो डायरेक्टर हो, ठीक है। तो यहां सिर्फ डायरेक्टर्स आते हैं जो अटेंड करते हैं या बुलाते हैं, यहाँ मेंबर्स तो होते हैं लेकिन डायरेक्टर्स भी होते हैं, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है सर। फर्दर मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स की पहली टाइप ऑफ मीटिंग है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग क्या होती है सर? सर बोर्ड मीटिंग ऐसी मीटिंग को कहते हैं, बोर्ड मीटिंग ऐसी मीटिंग को कहते हैं कि जो डायरेक्टर्स अटेंड करते हैं, ठीक है। लॉ ने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी है इसकी, भाई बोर्ड का मतलब पता था ना, चैप्टर टू के अंदर हमने एक जार्गन पढ़ा था बोर्ड, हमने कहा था कि बोर्ड का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अपनी कोई मीटिंग रखते हैं तो उसको हम बोर्ड मीटिंग बोलेंगे, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है सर। फिर दूसरी बोर्ड मीटिंग होती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है कमेटी मीटिंग। कमेटी मीटिंग सर, कमेटी मीटिंग कौन सी होती है? कमेटी मीटिंग होती है सेलेक्टेड डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट टू डिसाइड फॉर द स्पेसिफिक टास्क असाइन टू दोस कमिटीज, ठीक है। लेट्स से 7 डायरेक्टर्स हैं, सही है, 7 डायरेक्टर्स हैं। एक तो इनकी अपनी जनरल बोर्ड मीटिंग हो गई, तो ये 7 के 7 आ सकते हैं, बात समझ आ रही है भाई? एबीसी कंपनी है उसके 7 डायरेक्टर्स हैं, एबीसी कंपनी है उसके 7 डायरेक्टर्स हैं। अगर एबीसी कंपनी ने बोर्ड मीटिंग बुलाई है तो वो 7 के 7 एंटाइटल्ड हैं कि वो मीटिंग में आए, सही है। लेकिन कमेटी मीटिंग, 7 डायरेक्टर्स में से 3 डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने एक जो ऑडिट कमेटी का पार्ट है, ऑडिट कमेटी। कमेटी क्या होती है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की समझो सब ब्रांच, सब कमेटी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैं कमेटी बोल दूं तो ऑडिट कमेटी एक सब कमेटी होगी उनकी टीम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर मैं टीम बोल दूं तो ऑडिट कमेटी एक सब टीम हो गई। के 7 डायरेक्टर्स में से 3 की जिम्मेदारी है कि भाई तुम ऑडिट कमेटी हो, तुम कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट के मामला देखना, सही है। उनसे रिलेटेड जो डिसीजन होंगे वो तुम्हारे जिम्मे हैं, या उनसे रिलेटेड जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। लेट्स से अब एबीसी कंपनी है, सेम कंपनी है, अब ऑडिट कमेटी की मीटिंग बुला रही है, तो उसमें कौन आएगा? ऑडिट के 3 डायरेक्टर्स, ऐसे ही है। तो ये वर्ड समझ आ रहा है, सेलेक्टेड डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट टू डिसाइड फॉर स्पेसिफिक टास्क असाइन टू दोस कमिटीज, सही है। तो सर मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स को अगर मैं समराइज करूं तो 2 तरीके की मीटिंग होगी, एक होगी हमारी बोर्ड मीटिंग और दूसरी हमारी होगी कमेटी मीटिंग। अगर बोर्ड मीटिंग होगी तो जितने भी डायरेक्टर्स होंगे सारे आ सकते हैं, कोई किसी वजह से ना आ सका तो वो अलग बात है, लेकिन इंटाइटल सब होंगे आने के। फिर सर कमेटी मीटिंग है, कमेटी मीटिंग है तो उसमें सिर्फ वो आएंगे जो उस कमेटी का पार्ट है। डिपेंड करता है किस कमेटी की, अगर ऑडिट कमेटी की है तो जो ऑडिट कमेटी में है वो आएगा, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी की है तो ह्यूमन रिसोर्स कमेटी के आएंगे, रेम्यूनरेशन कमेटी की है तो जो उसके डायरेक्टर पार्ट होंगे वो आएंगे। तो जो टीम की मीटिंग होगी ना, अगर मैं इसको टीम सब टीम बोल दूं तो वो सब टीम आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है कि भाई ऑडिट कमेटी, ह्यूमन रिसोर्स एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, सही है जी। फिर सर मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं मेंबर्स की मीटिंग की। तो सर मेंबर्स की मीटिंग को भी 2 हिस्सों में ब्रेक किया है, एक जनरल मीटिंग और सर दूसरा क्लास मीटिंग। सर क्लास मीटिंग क्या होती है? हमने शेयर कैपिटल के चैप्टर में क्लासेस पढ़ी थी, मैंने कहा था क्लास ए क्लास बी,
ठीक है, या फिर जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, ऑर्डिनरी शेयर हो गए, सही है। लेट से कंपनी ने मीटिंग बुलाई है, कोई मैटर डिस्कस करना है, सही है, ऑल्टरेशन करने जा रही है कंपनी राइट्स के अंदर, कंपनी राइट्स के अंदर, वोटिंग राइट्स के अंदर ऑल्टरेशन करने जा रही है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, क्लास बी को बराबर, हमने एक सवाल किया था कि क्लास ए का एक वोटिंग राइट था तो क्लास बी का आधा था, और कंपनी क्या करने जा रही थी, क्लास बी को क्लास वन के इक्वल करने जा रही थी, सही है। तो वोटिंग राइट बराबर होने जा रहे थे। तो सर इस केस के अंदर अगर कंपनी मीटिंग रख रही है तो किसको बुलाएगी, जो रेलिवेंट क्लास होगी, सही है, क्लास ए या क्लास बी को, सही है। तो अगर किसी स्पेसिफिक क्लास से रिलेटेड मीटिंग करनी है, सही है, तो हम क्या करेंगे, उस हमने पढ़ा था ना कि ऑल्टरेशन के केस में, उस वाली ऑल्टरेशन के केस में 75% किसका चाहिए होता है, अफेक्टेड क्लास का, अफेक्टेड क्लास का, याद आ रहा है। तो सर अगर मैं उस अफेक्टेड क्लास का, मुझे 75% चाहिए तो उसकी मीटिंग बुलाऊंगा ना, तो उस मीटिंग को मैं क्या बोलूंगा, क्लास मीटिंग। बात समझ आ रही है। फिर सर हम आ जाते हैं जनरल मीटिंग पे, ये इस चैप्टर का पूरा माइंड मैप बना रहा हूं मैं, सही है, अभी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर दूसरी बात हमारी आ गई जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के अंदर सर तीन तरह की मीटिंग्स होती हैं, स्टैचुटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग जिसको एजीएम बोलते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर आपके इस चैप्टर में इस टॉपिक के 90% टेस्टिंग इस एरिया से होती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस टॉपिक का, टाइप्स ऑफ मीटिंग्स का, सही है। इस दफा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये है, ये जो चीज है ना, इसके ऊपर आके अपने इतना कभी टेस्ट किया ही नहीं है और करने लायक है भी नहीं। क्या पूछेगा कि डायरेक्टर्स की टाइप्स ऑफ मीटिंग बता दो, बीकॉम का पेपर थोड़ी है, क्लास ऑफ मीटिंग क्या होती है वो बता दो, ये थोड़ी पूछेगा सर। इसलिए जो ज्यादा डिटेल्ड है ना वो है भी ये वाला पोर्शन, सही है। तो इसके अंदर जो इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से रिलेटेड, इतनी ही थी, खत्म हो गई। क्लास मीटिंग की इतनी ही थी, आगे जो हमारी डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी वो सर इन जनरल मीटिंग पे रहेगी, दैट इज स्टैचुटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर आज की क्लास का एजेंडा हमारा स्टैचुटरी मीटिंग को खत्म करना है, सही है। जैसे ये खत्म होगा हम क्लास ऑफ कर देंगे। अच्छा जी, मैं एक चीज बता दूं, हम क्लास के शुरू में अपना एक टारगेट सेट करते हैं, ठीक है, हमारी कोशिश होती है उसको मीट करें, 10-15 मिनट बचे भी होते हैं तो हम क्लास ऑफ कर देते हैं, ताकि मुझे पता है कि अगर मुझे ये पढ़ाना है तो हम अगले दिन फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, ताकि चीजें दिमाग में बैठे हैं, रादर देन के कोर्स कंप्लीट हो, सही है। कोर्स कंप्लीशन की मुझे इतनी वो नहीं है, इफेक्टिवली कोर्स कंप्लीट हो ये ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर स्टैचुटरी मीटिंग से शुरू करते हैं। स्टैचुटरी मीटिंग क्या होती है पता है कुछ? बिल्कुल, पीओसी पढ़ा है, पीओसी फर्स्ट ईयर कॉमर्स पढ़ा है किसी ने? उसमें पढ़ा था स्टैचुटरी मीटिंग क्या होती है? स्टैचुटरी मीटिंग नहीं पढ़ा उसमें आपने, स्टैचुटरी कंपनी पढ़ा था। अच्छा सर स्टैचुटरी मीटिंग क्या होती है, कि कंपनी अभी बनी है, सही है, एक पब्लिक कंपनी है, नई नई बनी है, पब्लिक कंपनी बोल रहा हूँ मैं, वर्ल्ड पब्लिक कंपनी, नई नई बनी है, पब्लिक कंपनी है, तो दैट मीन जिसमें कौन है, पब्लिक, आम आवाम, ठीक है, मैं हो गया, आप हो गया, आपने जिसने उसके शेयर्स इनिशियली लिए हैं। सर स्टैचुटरी मीटिंग का मकसद ये होता है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट दुनिया के या मुल्क के कोने से लोगों ने इन्वेस्ट किया है, सही है, जो मेंबर बने हैं कंपनी के, तो क्या उनका हक नहीं है कि वो एक दूसरे को जाने, कि भाई जहाँ पैसे लगाए कि दूसरे हैं कौन, में मतलब कुछ जान पहचान के लिए, एक गेट टुगेदर, एक दूसरे के नो हाउ के लिए, कंपनी के मामला शुरू के इनिशियल मामला डिस्कस करने के लिए, फॉर्मेशन से रिलेटेड मसले या आगे फ्यूचर ग्रोथ देखने के लिए। तो सर स्टैचुटरी मीटिंग इसलिए होती है, जिंदगी में एक दफा होती है और फिर दोबारा
नहीं होती, ठीक है, एक दफा हो गई बात खत्म, रिपीटेटिव नहीं होती। बनिस्बत के दूसरी दो जनरल मीटिंग थी, एजीएम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वो रिपीटेडली होती हैं, सही है। अच्छा जी सर, इसके अंदर पहली चीज रिक्वायरमेंट, किसको बुलानी है, किसको बुलानी है। सर लॉ कहता है एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है, ये बात जहन में नक्श कर ले। एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शेल होल्ड अ जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड द स्टैचुटरी मीटिंग। तो दूसरे अल्फाज में कहूं कि जनरल मीटिंग की वो टाइप जो सारी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल को करना लाजमी है, सही है, सारी पब्लिक कंपनी को करना लाजमी है। तो दूसरी एक रिक्वायरमेंट क्या है हमारी कि स्टैचुटरी मीटिंग कौन बुलाएगा? हाँ स्नेन, पब्लिक कंपनी कौन सी? हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है, हैविंग शेयर कैपिटल क्यों? कॉन्सेप्ट क्या था कि जनरल पब्लिक ने पैसा लगाया, हैविंग शेयर कैपिटल इसलिए बोल रहा हूँ, जनरल पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, उसको कंसर्न है, उसको कंसर्न है कि भाई मेरे पैसे हैं तो मुझे कंपनी की ग्रोथ के बारे में, फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ चीजें पूछनी है, कुछ मसले डिस्कस करने हैं, तो इसलिए क्या बुलाई जाएगी? स्टैट्यूटरी मीटिंग, सही है जी। फिर सर कहता है इन केस फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज डिसाइडेड टू बी हेल्ड अर्लियर, नो स्टैट्यूटरी मीटिंग शेल बी रिक्वायर्ड। सर कहता है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग तुमसे मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ कि तुम्हें कुछ इनिशियली मसले डिस्कस करने होंगे आपस में, लोगों को एक दूसरे से मतलब एक नोआउ करनी है कि दूसरे पार्टनर या दूसरे शेयर होल्डर है कौन, सही है। लेकिन कहता है अगर तुमने एनुअल जनरल मीटिंग बुला ली, दूसरी टाइप ऑफ जनरल मीटिंग है जो अभी हमने डिटेल में डिस्कस नहीं की है, ठीक है, लेकिन कहता है अगर तुमने एजीएम बुला ली है पहले स्टैचुटरी मीटिंग से, अगर इससे पहले डायरेक्ट मैंने एजीएम बुला ली तो स्टैचुटरी मीटिंग का पर्पस ही लैप्स हो गया, सही है, इनिशियली मिलना था ना, तो अगर इधर इसमें मिल लिया बात तो वही हो गई। तो इसलिए कहता है अगर तुमने एजीएम बुला ली है फिर स्टैचुटरी मीटिंग नहीं बुलाना, बात समझ आ रही है, सही है। भले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट क्या है? पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल स्टैचुटरी मीटिंग बुलाएगी, लेकिन अगर उसी कंपनी ने स्टैचुटरी मीटिंग से पहले ही एजीएम बुला लिए तो स्टैचुटरी मीटिंग का पर्पस लैप्स हो गया, अब आप स्टैचुटरी मीटिंग ना बुलाओ, तो क्या मैं इसको एक्सेप्शन कह सकता हूँ? ठीक है, अगर पेपर में एमसीक्यूज में लिख के दे दे कि एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैचुटरी मीटिंग, व्हाट इज द एक्सेप्शन टू दिस रूल, ठीक है, अगर एमसीक्यूज में ये ऑप्शन होगा तो हम इस पे टिक करेंगे, सही है जी। सर एक और एक्सेप्शन है, कहता है दिस रिक्वायरमेंट शल नॉट अप्लाई टू अ पब्लिक कंपनी विच कन्वर्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहले लोगों ने कहा कि भाई एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाएगी, सही है, अब कह रहा है कि भाई ये रिक्वायरमेंट उस कंपनी पे नहीं लगेगी जो पहले प्राइवेट कंपनी थी, लेट से एबीसी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, 1 साल चलती रही, 1 साल चलना इज लाजमी, सही है, आफ्टर 1 ईयर एमसीक्यूज में सिनेरियो दे के तारीखों में टॉर्च कर सकता है वो, ठीक है, 1 साल कंप्लीट होना लाजमी है। कहता है प्राइवेट कंपनी थी 1 साल चली, अब उसने क्या किया, चेंज ऑफ पेरेंथेसिस कर लिया, चैप्टर 2 में पढ़ा था कि स्टेटस चेंज कर लिया अपना, अब क्या है, एबीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई है, एबीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई है, तो सर क्या होगा, तो अब उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाने की नीड नहीं है। तो अगर मैं दूसरे अल्फाज में बोलूं कि स्टैट्यूटरी मीटिंग
ना बुलाने की दो एक्सेप्शन हो गई। एक क्या थी कि अगर आपने एजीएम स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले कर लिए तो स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं बुलाना, सही है। और दूसरी चीज क्या कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी थे, एक साल तक आपने एज अ प्राइवेट कंपनी काम किया, फिर आप कन्वर्ट हो गए, सही है। तो इसके पीछे भी लॉजिक क्या है, इसके पीछे भी लॉजिक क्या है कि ये इनिशियल मीटिंग है शुरू की, कहता है आप एक साल गुजार चुके हैं लोग आपस में, और दूसरा प्राइवेट कंपनी थे आप, सही है। लॉजिक क्या था कि आम आवाम का पैसा होता है पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में, तो उनको आपस में मिलना होता है, प्राइवेट कंपनी कौन खोलता है, जो एक दूसरे को जानते हैं प्राइवेट लोग, दो लोग मिलके खोल लिए, सही है, सही है। तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी आपस में एक दूसरे को जानते थे। अगर वो कंपनी कन्वर्ट हो रही है पब्लिक में तो कहता है अब तुम लोगों को इनिशियल मामला क्या डिस्कस करोगे, एक साल से तो तुम लोग चलते हुए आ रहे हो, तो तुम लोगों को स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाने की नीड नहीं है। सर अब तक हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ी है स्टैट्यूटरी मीटिंग की कि पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल बुलाएगी स्टैट्यूटरी मीटिंग, लेकिन दो एक्सेप्शन हैं। अगर पब्लिक कंपनी तुम पहले प्राइवेट थे, एक साल तक प्राइवेट रहे हो, अब पब्लिक बन गए, अब तुम नहीं बुलाओ, या तुमने एनुअल जनरल मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले बुला ली है, तो अब स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाने की नीड नहीं है। सर रिक्वायरमेंट के केस में किसी को कोई मसला, किसी का कोई सवाल, फिर करेगी, फिर बुलाएगी, ठीक है, सही है भाई। ऑनलाइन वालों साथ हैं हम यहाँ तक, आगे बढ़ जाएं। जवाब दो भाई, लाश बन के क्यों बैठे हो, हाँ भाई मेरी ऑनलाइन वाली लाशों, कोई कुछ बोलेगा, साथ हैं यहाँ तक, किसी का कोई सवाल तो नहीं है, चले जी। सर दूसरी चीज टाइम लिमिट, पहले उसने बता दिया कि स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलानी है कि नहीं बुलानी है, ठीक है, अब बुलानी है तो कब बुलानी है, टाइम लिमिट, अंधी तो नहीं होगी ना कि जब दिल आएगा बुला लेगा, तो लॉ ने एक टाइम लिमिट दी है कि इस लिमिट के अंदर अंदर बुला लेना। तो सर ये कहता है द स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन अर्लियर ऑफ, सही है, विद इन अर्लियर ऑफ, भाई ये मिट क्यों नहीं रहा है आज, पेन खराब है क्या, अच्छा जी, स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन अर्लियर ऑफ, विद इन का लफ्ज यूज कर रहा है कि या तो 180 दिन के अंदर कर लेना या तो 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर लेना, लेकिन इन दोनों के अंदर अंदर कर लेना, कब, अर्लियर ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमिसमेंट ऑफ बिजनेस और 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। सर कंपनी चैप्टर 2 के अंदर हमने पढ़ा था इनकॉर्पोरेट होती है, सही है, कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं, फिर रजिस्ट्रार हमें एक सर्टिफिकेट देता है जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसके ऊपर हमारा नाम, स्टेटस और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेट है ना, सही है, वो या फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हमने एक रिक्वायरमेंट पढ़ी थी पब्लिक कंपनीज के लिए प्रोस्पेक्टस के चैप्टर का पार्ट 2, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, उसमें कंपनी डिक्लेरेशन फाइल कराती है 3-4 चीजों की, तो रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर्ड करता है, तो वो इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस COCB, एक वो डेट होती है, सही है, जिसके बाद कंपनी अपनी बोरिंग पावर्स वगैरह यूज करती है। तो कहता है 180 दिन तुम्हारे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट या 9 मंथ तुम्हारे इनकॉर्पोरेशन की डेट, पहले तो तुम देखो इन दोनों में से अर्लियर ऑफ कौन सा है, क्राइटेरिया क्या है, पहले तुम देखो 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाले सर्टिफिकेट से, फिर 180 दिन गिनो अपने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से, तुम देखो इसमें अर्लियर ऑफ क्या है, पहले क्या आ रहा है, जो भी पहले आ रहा है, सही है, उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, 9 मंथ यहाँ से या 9 मंथ यहाँ से, उसके अंदर अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग होनी चाहिए,
बात समझ आ रही है? पहले मैं देखूंगा कि इन दोनों में से अर्लियर ऑफ कौन सा है, जो सेलेक्ट हो गया लेट से 180 दिन अर्लियर बन रहा है, सही है, पहले ये खत्म हो रहा है, तो कहता है इस पीरियड के अंदर अंदर तुम्हें स्टैट्यूटरी मीटिंग हेल्ड करनी है। पेपर के अंदर सवाल दे सकता है दोनों डेट्स, इनकॉर्पोरेशन की भी और वो भी कमिश्नमेंट ऑफ बिजनेस की भी। फिर आपको बोलेगा कि आप कंपनी नई नहीं है, आप इसके कंसल्टेंट हो, आप इसको एडवाइस करो कि इसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कब हेल्ड करनी चाहिए, सही है। तो फिर आप बताओगे पहले लॉ में क्या लिखा है कि अर्लियर ऑफ, फिर आप केस से रिलेट करोगे इसको कि इस केस के अंदर अर्लियर ऑफ ये है तो कंपनी को इस डेट पे स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलानी चाहिए। ठीक है जी, टाइम लिमिट तक क्लियर है? सर टाइम लिमिट की एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पब्लिक कंपनी है, 3 जनवरी 2021 को इनकॉर्पोरेट हुई थी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड वॉज अलाउड टू कमेंस बिजनेस फ्रॉम 25 अप्रैल 2021, सही है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इसकी कब थी? 25 अप्रैल 2021 की थी। तो इन दोनों में से अर्लियर ऑफ कौन सा है? 180 दिन इधर से पहले बन रहे हैं या ना 9 महीने पहले बन रहे हैं? अगर मैं जनवरी 3 जनवरी में 9 महीने डालूं तो कब बनेंगे? 3 अक्टूबर, और 25 अप्रैल पे 180 दिन डालूं तो 22 अक्टूबर। तो सर मेरे पास अर्लियर ऑफ क्या है? ये है। तो 3 अक्टूबर 2021 से पहले पहले मुझे क्या करनी है? स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल करनी है एबीसी लिमिटेड को। इट शुड होल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग लेटेस्ट बाय 3 अक्टूबर 2021 बीइंग अर्लियर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड इनकॉर्पोरेशन। अगर आपका पेपर में सवाल आएगा तो उसके अंदर भी आपको कुछ इसी तरह एनालिसिस करने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है सर? स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट और उसके टाइम लिमिट पड़ी है अभी तक हमने। फिर सर नोटिस, मीटिंग बगैर नोटिस के तो नहीं बुलाओगे ना, सही है। नोटिस कितने दिन का होता है? बिल्कुल सर, लॉ कहता है कि भाई आप स्टैट्यूटरी मीटिंग बुला रहे हो, लेकिन कहता है द नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी सेंड टू द मेंबर्स एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द टाइम मीटिंग अलोंग विद द कॉपी ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। कहता है 21 दिन पहले नोटिस भेजना कि भाई हम लोग स्टैट्यूटरी मीटिंग बुला रहे हैं, सही है, और उसके साथ एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की कॉपी भी भेज देना मेंबर्स को, ताकि वो लोग उसको पढ़ लें, उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डिस्कशन करनी हो तो आप उनको कम से कम 21 दिन पहले भेज दो। फिर सर फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, क्या फाइल करना है रजिस्ट्रार के साथ? कहता है द डायरेक्टर शैल कॉज अ कॉपी ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट along with the report of the auditors as apportioned to be delivered to the registrar for registration forthwith after sending the report to the members of the company. Kehta hai 21 din pehle tum notice plus statutory report kisko bhej dena? Members ko. Kehta hai jaise hi tumne idhar bhej di ab tum kya karna, yahi ek copy statutory report ki रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देना। लेकिन इस केस में रजिस्ट्रार के पास क्या फाइल करोगे? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट प्लस ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट क्यों जाएगी, इसके ऊपर अभी अगले 2-3 मिनट में डिस्कस करते हैं, सही है। सर रिक्वायरमेंट पढ़ी हमने, कौन बुलाएगा, कब बुलाएगा पढ़ा, तीसरी चीज हमने पढ़ी कि उसका नोटिस जाएगा 21 दिन पहले प्लस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। फिर कहता है ये तुमने मेंबर्स को भिजवा दी, जैसे ही मेंबर्स को भिजवा दी अब एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल करवा दो प्लस ऑडिटर रिपोर्ट के साथ, ऑडिटर रिपोर्ट के साथ। बात समझ आ रही है? अब सर ऑडिटर रिपोर्ट के साथ क्यों बोला है? ऑडिट किस चीज का होगा इसको अभी हम पढ़ते हैं। आगे देखो कंटेंट्स के बाद शायद आ रहा हूं। होगा होगा बुक में है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। स्टैट्यूटरी मीटिंग है, स्टैट्यूटरी मीटिंग का एजेंडा है बेसिकली स्टैट्यूटरी रिपोर्ट।
उसके अंदर क्या क्या होता है अभी आ रहा है, सही है। फिर सर सर्टिफिकेशन ऑथेंटिकेशन, सर्टिफिकेशन ऑथेंटिकेशन कहता है द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, अभी है क्या इसके ऊपर हमने बात नहीं की है, शैल बी सर्टिफाइड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एट लीस्ट वन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी ऑल्सो बाय द CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सर पब्लिक कंपनी को बुलानी है having share capital, सही है। पब्लिक कंपनी दो तरह की होती है, अनलिस्टेड और लिस्टेड, ठीक है। तो कहता है अगर तो आप अनलिस्टेड हो तो CEO प्लस डायरेक्टर साइन करेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे, ठीक है। लेकिन अगर आप लिस्टेड हो तो CEO प्लस डायरेक्टर और प्लस CFO साइन करेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे। बात समझ आ रही है। फिर सर छठी चीज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की लिस्ट ऑफ मेंबर्स एट मीटिंग। सर कुछ चीजें हमने डिस्कस की बिफोर मीटिंग की, जैसे जो नोटिस वगैरह हैं ये बिफोर मीटिंग की बात थी, अब ये ड्यूरिंग द मीटिंग की बात कर रहा है। लिस्ट ऑफ मेंबर्स एट मीटिंग कहता है द डायरेक्टर शैल कॉज अ लिस्ट शोइंग नेम्स ऑक्यूपेशन नेशनैलिटी एंड एड्रेसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम रिस्पेक्टिवली टू बी प्रोड्यूस्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग एंड टू रिमेन ओपन एंड एक्सेसिबल टू एनी मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द मीटिंग। कहता है एक लिस्ट बनाना, ABC कंपनी हो तुम, एक लिस्ट बनाना मिस्टर ए ऑक्यूपेशन ये है, नेशनैलिटी ये है, इतने शेयर लिए, मिस्टर बी ऑक्यूपेशन ये है, नेशनैलिटी ये, इतने शेयर लिए, किसकी, जो तुम्हारे कंपनी के मेंबर्स होंगे भाई, ताकि दूसरे मेंबर्स आए देखने के कौन कौन है उनको पता तो चले और दूसरे लोग हैं कौन कौन, ठीक है। तो सारी डिटेल के साथ तुम एक लिस्ट बना के मीटिंग शुरू होते ही रख देना, और जब तक वो मीटिंग चल रही है वो लिस्ट वहां रहनी चाहिए, दूसरे मेंबर्स को क्या होनी चाहिए, एक्सेसिबल और ओपन होनी चाहिए ताकि कोई देखना चाहे तो देख सके, ठीक है भाई। फिर सर डिस्कशन एट मीटिंग, अभी ये ड्यूरिंग द मीटिंग की बात कर रहे हैं हम, लिस्ट भी ड्यूरिंग द मीटिंग, डिस्कशन भी ड्यूरिंग द मीटिंग, नोटिस बिफोर मीटिंग था, सही है। द मेंबर्स ऑफ द मीटिंग प्रेजेंट एट द मीटिंग शैल बी एट लिबर्टी टू डिस्कस एनी मैटर रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और अराइजिंग आउट ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। कहता है कि मेंबर्स के पास ये लिबर्टी होनी चाहिए, एक उनका राइट है कि अगर कोई मैटर डिस्कस करना चाहते हैं किससे रिलेटेड, जाहिर सी बात है नई नई पहली मीटिंग है, फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई मसला तो नहीं है, आगे की ग्रोथ से रिलेटेड कोई मसला तो नहीं है, या फिर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से कोई मसला निकला है तो उस मसले को, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भिजवा दी थी ना हमने इनको 21 दिन पहले नोटिस के साथ कि मीटिंग आ जाना, तब उन्होंने पढ़ी होगी, तब उनमें उनको कोई पॉइंट में मसला आया उनको डिस्कस करना हो तो वो पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हैं, और उसके अलावा फॉर्मेशन रिलेटेड से रिलेटेड भी कोई चीज डिस्कस कर सकते हैं, इनको कोई मना नहीं है। कहते हैं वेदर प्रीवियस नोटिस हैज बीन गिवन और नॉट, ये जो मसला डिस्कस कर रहे हैं ना, भले नोटिस के अंदर ये एजेंडा था कि नहीं था, लेकिन अगर वो चाहते हैं डिस्कस करना तो डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है, वो बगैर नोटिस वाले मसले को भी हल कर सकते हैं। नोटिस के अंदर मीटिंग का एजेंडा भी होता है कि हम किन किस चीज पे बात करेंगे, लेकिन अगर कोई मेंबर किसी ऐसी चीज पे बात करना चाह रहा है जो उसमें नहीं है तो उसके पास लिबर्टी है, वो कर सकता है। बात समझ आ रही है। लेकिन कहता है बट नो रेजोल्यूशन ऑफ विच नोटिस हैज नॉट बीन गिवन इन द अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स मे बी पास्ड, सही है। कह रहा है जहां तक डिस्कशन का ताल्लुक है तो तुम कोई ऐसा मसला जो उस नोटिस में नहीं था डिस्कस कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते हो, सही है। रेजोल्यूशन कहता है सिर्फ उस पे पास करना जो मसला तुमने नोटिस में 21 दिन पहले बता दिया था कि इसके ऊपर हम रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दो चीजें, उसने कहा डिस्कशन करनी है किसी भी मसले पे कर लो, रेजोल्यूशन पास करनी है सिर्फ उस एजेंडे पे करना जिसका नोटिस दिया था 21 दिन पहले। बात समझ आ रही है भाई, सही है।
फिर सर आठवां एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्या होता है, मीटिंग बुलाई थी, एडजर्न हो गई, नहीं हुई, बाद में पोस्टपोन हो गई, ठीक है। द मीटिंग मे एडजर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एट एनी एडजर्नमेंट मीटिंग एनी रेजोल्यूशन ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन इन अकॉर्डिंग विद द आर्टिकल इधर बिफोर और आफ्टर द ओरिजिनल मीटिंग मे बी पास्ड, सही है। एंड एन एडजर्न मीटिंग शैल हैव द सेम पावर्स एज एन ओरिजिनल मीटिंग। कहता है भाई मीटिंग एडजर्न हो सकती है टाइम टू टाइम, कोई मसले वाली बात नहीं है। कहता है लेट से अभी आप जिस मीटिंग में हो वो ऑलरेडी एक एडजर्न मीटिंग है, पहले होनी थी, एडजर्न हो गई, अब आज हो रही है। अब उसका नोटिस हम कब दे चुके थे, पिछली ओरिजिनल मीटिंग से पहले दे चुके होंगे ना। तो कहता है भले नोटिस उस वक्त दिया था उस मीटिंग के लिए जो एडजर्न हो गई, आज एडजर्न मीटिंग तुमने बुलाई है, सही है। तो कहता है तो ओरिजिनल मीटिंग से पहले ये रही, एक ओरिजिनल मीटिंग थी, लेट से ये ओरिजिनल मीटिंग थी, ये हो गई, इसका 21 दिन पहले मैंने नोटिस दिया होगा, सही है, ये हो गई थी एडजर्न, सही है। अब ये एडजर्न मीटिंग है, सही है। कहता है अब तुम इस एडजर्न मीटिंग में ना इस वाले नोटिस की भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हो और उसमें सेम पावर दूंगी कि जैसे ये ओरिजिनल मीटिंग ही हो रही है, सही है। लेकिन कहता है बिफोर भी दे सकते हो या फिर इधर दोबारा भी दे सकते हो आफ्टर, सही है। नोटिस यहां भी दे सकते हो, यहां भी दे सकते हो, यहां दिया हुआ है तो दोबारा नहीं दो, अगर कुछ नई एजेंडा डिस्कस करना है एडजर्न मीटिंग में तो उसका नोटिस इस वाली मीटिंग से पहले दे सकते हो, सही है। लेकिन उसको ऐसा समझा जाएगा कि वो जैसे ओरिजिनल मीटिंग में ही पास हुई है, डिस्कस हुई है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। बात समझ आ रही है भाई, बात समझा पा रहा हूं मैं। अब सर आ जाते हैं कंटेंट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पब्लिक अनलिस्टेड के केस में साइन कौन करेगा, बिल्कुल सीईओ डायरेक्टर, और लिस्टेड के केस में सीईओ डायरेक्टर प्लस सीएफओ, सही है। अब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती क्या है वो देखते हैं। सर एक रिपोर्ट होती है जिसके अंदर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। आप अभी अभी पब्लिक कंपनी अभी नई नई चल रही है ना, सही है। Distinguish shares allotted other than in cash and stating the consideration for which they have been allotted. आप एक समरी बनाओगे, आप बताओगे कि आपने कितने शेयर्स अलॉट किए और इनमें से कितने ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट में कैश नहीं मिला या कैश मिला है, ठीक है। एक बाइफरकेशन कर लिया आपने इस तरीके से, कैश नॉन कैश नंबर ऑफ शेयर्स, सही है। ये एक रिपोर्ट है, या आप मेंबर्स को बता रहे हो कि अभी तक हमारे पास कितना कैश जमा हो गया है, सही है, उनको रिपोर्ट दे रहे हो। टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर्स अलॉटेड, जो कैश के पहले हमने बाइफरकेशन बताई उसको कि कैश के शेयर्स इतने, नॉन कैश के इतने। कहता है अच्छा जो कैश वाले हैं उसके अगेंस्ट में हमें इतना कैश मिल गया है। फिर एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट, मतलब एक समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट मेड अप टू अ डेट विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिपोर्ट अंडर डिस्टिंक्टिव हेडिंग्स। डिस्टिंक्टिव हेडिंग्स कौन सी है वो देखते हैं, पहले 15 डेज वाली बात डिस्कस कर लेते हैं। लेट से आपको रिपोर्ट कब प्रेजेंट करनी है, लेट से 1 अप्रैल को करनी है, सही है। 1 अप्रैल को करनी है रिपोर्ट प्रेजेंट, तो कहता है 15 दिन का कट ऑफ रख लो, सही है। 15 दिन का कट ऑफ रख लो, क्योंकि जाहिर है तुम लोग जब दिन प्रेजेंट करोगे उस दिन तक की तो अपडेटेड नहीं दोगे ना, सही है। ये जो मामला बता रहा है रिसीट ऑफ पेमेंट, सही है, रिसीट ऑफ पेमेंट बता देना 1 अप्रैल को प्रेजेंट करनी है, तो क्या 1 अप्रैल तक की रिसीट पेमेंट उसमें शामिल होंगी। अगर 1 अप्रैल तक की होंगी जाहिर सी बात है बनाने में भी तो टाइम लगेगा, तो कहता है मार्जिन रखो 15 दिन का। अगर तुम 1 अप्रैल को प्रेजेंट कर रहे हो ना तो उसमें 15 मार्च तक की, 16 मार्च तक की चीजें बता देना, 15 डेज कट ऑफ, सही है। बात समझ आ रही है, रिसीट और पेमेंट बता देना विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिपोर्ट, सही है।
अब जिस दिन तुम प्रेजेंट करने जा रहे हो 15 दिन का मार्जिन रखो और तब तक की चीजें उसके अंदर शामिल करना। कौन सी रिसीव्ड और पेमेंट्स? रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सोर्सेस। फिर सर पेमेंट कौन सी? पेमेंट कहता है द बैलेंस रिमेनिंग इन हैंड। अगर कोई पेमेंट तुमने की है या फिर अब बचा कितना है। दोबारा से सुनो, पहले उसने बोला कि कैश और नॉन कैश की बाइफरकेशन करके दे दो, फिर उसने बोला कैश आया कितना। अब कैश आ गया है, सही है। अब एक समरी बना के दे दो रिसीट्स और पेमेंट की, सही है। रिसीट किस किस चीज से आई? शेयर से कितनी आई, डिबेंचर से कितनी आई या दूसरी सोर्सेस से कितनी आई, पैसे किस किस को दिए हैं, एक वो समरी बता दो। अब रिसीट्स में से पेमेंट माइनस करोगे तो क्या बचेगा? बैलेंस रिमेनिंग इन हैंड, सही है। ऐसी एक समरी बना के दे दो 15 दिन पहले तक की। फिर कहता है एन अकाउंट ऑफ एस्टिमेट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी शोइंग सेपरेटली एनी ऑफ द कमीशन और डिस्काउंट पेड और टू बी पेड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। कहता है एक अकाउंट बना के दे दो जिसमें क्या हो, स्टार्टिंग के जो एक्सपेंस है ना, सही है, शुरू के एक्सपेंस, कंपनी बनाने के एक्सपेंस। चाहे कंपनी ऐसे तो नहीं बनती ना, जाहिर फ्री में तो नहीं बनती, खर्चा होता है। तो कहता है कोई भी ऐसा खर्चा जो कंपनी बनाने से रिलेटेड है लेकिन एस्टिमेट हुआ है या होने वाला है, सही है। शोइंग सेपरेटली एनी कमीशन और डिस्काउंट और टू बी पेड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। कहता है कोई भी ऐसे खर्चे बता दो जो अभी हो गए हैं या होने वाले हैं कंपनी बनने से रिलेटेड, सही है। लीगल एक्सपेंसेस होंगे मोस्टली, और कोई कमीशन पे किया है, सही है, शेयर इशू के चक्कर में या पे करने वाले हो तो वो भी बता देना, सही है। तुम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में बेसिकली देखो तो मेंबर्स को वो क्या दे रहा है, पैसे का हिसाब दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है? पैसे का हिसाब दे रहा है। फिर आखिर में एक चीज, द नेम एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी एंड ऑडिटर्स एंड लीगल एडवाइजर द कंपनी एंड द चेंजेस इफ एनी सिंस इनकॉर्पोरेशन। जब से तुम बने हो तुम्हारे डायरेक्टर कौन कौन है, उनकी नेशनैलिटी क्या है, उनका एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह, चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी सेक्रेटरी का, सही है, और ऑडिटर्स का भी। अगर कोई चेंज आया है तो वो चेंज भी बता दो, ठीक है। अब अगर पॉइंट नोट करो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, पॉइंट ए बी और सी पैसों से रिलेटेड है, सही है, पैसा आया जा रहा है। तो जो ऑडिट का मैंने बोला था ना, ऑडिट की रिपोर्ट भी देना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार को, तो वो इन 3 पॉइंट्स के लिए बोला था, सही है। तो पॉइंट ए बी और सी के ऊपर ऑडिटर काम करता है कि क्या कंपनी कह रही है। भाई मेंबर्स तो नहीं मानेंगे ना कंपनी की बात, बोलेंगे कि भाई तुमने तो हेर फेर कर दी होगी, जब तक उसको एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर सर्टिफाई ना कर दे कि हाँ यार ये बात सही है, इतना ही पैसा आया था और इतना ही इन हैंड है, ठीक है। तो इसको ऑडिटर एक सर्टिफाई करता है और इसलिए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ ऑडिटर रिपोर्ट भी जाती है रजिस्ट्रार के पास। बात समझ आ रही है भाई? बात समझ आ रही है? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों साथ हैं, कंटेंट्स अभी चल रहे हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के, सही है। ए बी सी डी हुए हैं। ई क्या है? द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू मॉडिफाइड फॉर विच अप्रूवल ऑफ मीटिंग इज रिक्वायर्ड टुगेदर विद द प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन, सही है। कहता है द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाइड, क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो तुमने किया हो और उसको अभी मॉडिफाई करना है मीटिंग में, सही है, और वो ऐसा हो जिसमें मीटिंग अप्रूवल रिक्वायर्ड है। तो तुमने जैसे कि मीटिंग बुला ही ली है, कोई अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अभी चेंजेस होनी है तो वो भी अप्रूव करवा लो मीटिंग से। और फिर फॉर एक्सटेंट टू विच अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन कैरिड आउट टुगेदर विद द रीजंस फॉर नॉट हैव बीन कैरिड आउट। हमने एक केस पढ़ा था, जब भी पब्लिक में जाते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स होती है तो 2 केसेस होते हैं ना, एक अंडर सब्सक्रिप्शन, एक ओवर। मैंने मार्केट में 1,000 शेयर देने थे लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन ही 700 आई,
300 शेयर्स मेरे बच गए, 300 शेयर्स मेरे अंडर सब्सक्राइब हैं, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये एक बैकअप है, बैकअप है। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर राइटर के साथ, सही है। मैंने उसको कहा कि भाई मैं 1000 शेयर देने जा रहा हूँ, लेकिन अगर पब्लिक ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, मेरे बच गए, तो वो तुम बिकवा देना, सही है। तो वो अंडर राइटर क्या करता है, फिर हमारे वो 400 शेयर्स हमें उसके अगेंस्ट में पैसे करवाता है, ठीक है। तो अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट तुमने कर लिया है, लेट से 700 थे, 300 बच गए, तो क्या वो पूरे अंडर राइटर का काम आया, मतलब कैरिड आउट हो गए कि नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, वो भी बताना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर, सही है भाई। फिर एनी कमीशन और ब्रोकरेज पेड पेबल फॉर द इशू ऑफ शेयर्स टू एनी डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर को तुम शेयर इशू किए उसके अगेंस्ट में कोई ब्रोकरेज या कमीशन पे करना है, या चीफ एग्जीक्यूटिव को, सेक्रेटरी को, या ऑफिसर्स को, सही है, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को जिसके अंदर ये लोग क्या है, डायरेक्टर है, उनको कोई शेयर तो इशू नहीं किए, जिसके अगेंस्ट में तुम्हें क्या करना है, कोई ब्रोकरेज कमीशन पे करना है, तो वो भी बताओ, या पे करना है या पे कर दिया है, ठीक है। फिर सर, द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शैल ऑल्सो कंटेन अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स सिंस इन इनकॉर्पोरेशन एंड द बिजनेस प्लान इंक्लूडिंग एनी चेंज और प्रपोज चेंज अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एंड बिजनेस प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। और इसके अंदर तुम बता दो कि कंपनी के अफेयर्स किस तरीके से चल रहे हैं जब से बनी है, ओके की रिपोर्ट है कि नहीं है, आगे के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, कोई चेंजेस करनी है, क्योंकि मेंबर हैं वो कंसर्न है ना भाई, उनका पैसा है, पहली पहली दफा आ रहे हैं, कंपनी चल कैसे रही है, तो हम उनको ये नहीं बताएंगे कि कंपनी चल कैसे रही है और आगे के प्लान्स क्या हैं, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को अगर मैं समराइज करूँ तो सर ये क्या है, समझो एक ऐसी रिपोर्ट है, मेरा मालिक आया है, मैं उसको हिसाब दे रहा हूँ, पहले उसको मैंने पैसे का हिसाब दिया, पैसे का हिसाब का ऑडिट भी कराया और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ ऑडिटर रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा भी करवाई है, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने बता दिया कि तुम्हारी कंपनी चला कौन रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स वगैरह के नाम वगैरह बता दिए, ठीक है। फिर हमने उनको बता दिया कि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो मॉडिफाई नहीं करवाना, और अंडर राइटर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, कमीशन हमने कितना पे किया है जो तुम्हारी कंपनी चला रहे हैं उनको शेयर देने के लिए हमने, ठीक है, और ग्रोथ बता दी कंपनी चल कैसे रही है, मतलब समझो पूरी अब तक की रिपोर्ट दे दी मैंने सारी, ठीक है। अच्छा, जो समरी होती है एक्सपेंसेस और पेमेंट की, वो मैं कब तक देता हूँ, 15 दिन के कट ऑफ का, आज प्रेजेंट कर रहा हूँ तो पिछले उससे 15 दिन पहले तक की सारी डिटेल होंगी। फिर सर, रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर, the statutory report shall so far as it relates to the shares allotted by the company, their cash received in respect of the payment, accompanied by the auditor report of the company as to the correctness of such allotment receipt of cash, point A, B और C की बात कर रहा है, सही है, कह रहा है point A, B और C क्या होंगे, accompanied by होंगे auditor report के, क्या जो है उसकी correctness of such allotment receipt of cash सही है कि नहीं है, सही है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जो पॉइंट ए बी सी पड़ा है उसका ऑडिट होता है, बात समझ आ रही है भाई। सर, अगर हम इसको स्टैट्यूटरी मीटिंग को समराइज करें तो हेल्ड बाय पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल नॉट रिक्वायर्ड, अगर कन्वर्ट कर लिया है प्राइवेट कंपनी से, 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पब्लिक बनी है, फर्स्ट एजीएम हेल्ड अर्लियर स्टैट्यूटरी मीटिंग से एजीएम पहले बुला लिए, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, कब हेल्ड होगी, टाइमिंग टू बी हेल्ड अर्लियर ऑफ 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फिर सर, नोटिस और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट 21 दिन पहले आप क्या करेंगे, मेंबर्स को भिजवा देंगे, सही है जी, ठीक है। और फिर रजिस्ट्रार को भिजवा देंगे, लेकिन रजिस्ट्रार को किसके साथ भिजवाएंगे, ऑडिटर रिपोर्ट के साथ। फिर सर, पांचवा पॉइंट, डायरेक्टर्स जो हैं एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें मेंबर्स के ऑक्यूपेशन, शेयर्स और नाम वगैरह होंगे, और वो ओपन रहेगी लिस्ट
थ्रू आउट द मीटिंग, ठीक है। फिर मेंबर जो है वो लिबर्टी पे होंगे कि वो डिस्कस कर लें रिपोर्ट से रिलेटेड मसले या फॉर्मेशन से रिलेटेड मसले, ठीक है। लेकिन रेजोल्यूशन पास किस पे होगी, जिसका प्रायर नोटिस दिया हुआ होगा, सही है जी। फिर हमने कहा कि सर पर्टिकुलर्स ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पहले साइन कौन करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव, वन डायरेक्टर, CFO अगर लिस्टेड कंपनी है तो, सही है। और पॉइंट ए बी और सी ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ होंगे, मतलब ऑडिटर की रिपोर्ट इन तीन पॉइंट्स पे कंटेंट होती है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में शेयर अलॉटेड, टोटल कैश रिसीव्ड और समरी बना दी 15 दिन तक की हमने, नाम उनके सारे मेंबर्स डायरेक्टर्स वगैरह के, मॉडिफिकेशन के, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन कितना पे किया, कंपनी के अफेयर्स किस तरीके से चल रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर एडजर्नमेंट वाला पॉइंट, के मीटिंग एडजर्न हो सकती है टाइम टू टाइम, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर कोई एडजर्न पुरानी मीटिंग, ओरिजिनल मीटिंग का नोटिस दिया हुआ एडजर्न मीटिंग में पास हो रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो ओरिजिनल मीटिंग में ही पास हुआ है, ठीक है जी। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग इसके साथ हमने खत्म कर लिया है। आई होप के मतलब सही रही होगी क्लास, रिफ्रेशर वालों की पहली क्लास है, ठीक है। तो किसी को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, या कोई चीज़ डिस्कस करनी है। बाकी इस चैप्टर का भी जो ये PPT है, ये अभी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप ज्वाइन कर ले, सही है जी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, जल्दी ऑफ कर रहा हूँ मैं, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली क्लास। अल्लाह हाफिज़।